हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू हैशटैग कौशिकी की। हैशटैग कौशिकी में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जन्माष्टमी आने ही वाली है, तैयारी बड़े धूमधाम से जोर शोर से चली है। देश के हर प्रांत में, देश में और देश के बाहर सब जगह जन्माष्टमी की सुंदर पावन मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवा के लोग जन्माष्टमी मना रहे। कहते हैं कि जन्माष्टमी के व्रत जो रखते हैं, सातों जन्म की पापों से मुक्ति मिलती है और जन्माष्टमी के व्रत करने से यह लोग में सुख प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम भी प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की इस दिन पूजा होती है और बड़े धूमधाम से इस दिन इनको सजा धजा के अलंकृत करके बड़े प्यार से इनकी पूजा की जाती है। तो जन्माष्टमी के पूरे दिन की दिनचर्या कैसे होना चाहिए और पूजा कैसे करना है, इसके ऊपर पूरी वीडियो अपलोडेड है। मैं नीचे लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पारण कब करें, कैसे करें। जन्माष्टमी व्रत हो चाहे कोई भी व्रत हो, जब कोई उपास करते हैं निर्जला या अल्पाहार या फलाहार के, तो उनको अगले दिन पारण करना जरूरी होता है। सभी व्रतों का पारण किया जाता है। जन्माष्टमी की व्रत की भी पारण नवमी के दिन होती है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि कभी भी जब रोहिणी नक्षत्र रहेंगे या अष्टमी तिथि रहेंगे, तब तक पारण नहीं होती है। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि छोड़ने के बाद ही हमें पारण करना रहता है। इस साल अगले दिन नवमी के दिन सुबेरे 9 बजे तक पारण कर लेना चाहिए और पारण में आपको भगवान श्री कृष्ण को बहुत अच्छे से, चाहे तो आप फिर से पंचामृत स्नान करवा सकते हैं, और अगर अगले दिन कोई ही पंचामृत स्नान 2 बार हो चुकी है तो आप नॉर्मल जल से स्नान कराएं, तुलसी पत्र युक्त जल से स्नान करवाएं। भगवान को इस दिन नंद उत्सव मनाया जाता है और भगवान जी को कड़ी चावल का भोग लगती है। इस दिन बहुत सारे घरों में जहाँ पे जन्माष्टमी के दिन अन्न भोग बनाया नहीं जाती है, उस दिन नंद उत्सव के दिन अन्न भोग बनाया जाता है, कड़ी चावल का भोग बनाया जाता है और 56 भोग भी बहुत लोग बना के इस दिन भगवान को अर्पण करते हैं। तो बड़े धूमधाम से प्यार से इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजा करें, तुलसी की पत्र जरूर चढ़ाएं, भगवान को भोग अर्पण करें और फिर भगवान जी का जो भोग आपने लगाया है उसी में से प्रसाद स्वरूप थोड़ा सा भोग ग्रहण करें और अपना पारण करें। पारण में क्या खाना खा सकते हैं? पारण में जो भी आप एकादशी के दिन खाना नहीं खाते हैं, वो यानी कि चावल वगैरह, इतना परोठा पूरी जो भी बनाया है वो थोड़ा सा खाइए, थोड़ा सा तुलसी दल युक्त पानी पीजिए और इस तरह से करें अपना पारण। पारण करने के लिए कोई ज़्यादा खास नियम नहीं होती है, पर कोई भी भगवान का जो व्रत रखा जाता है उसकी पारण करने के बिना वो व्रत पूरी नहीं माना जाती है, इसीलिए पारण करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा करती हूँ आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। छोटी सी वीडियो है बट हेल्पफुल है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।